हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल आदाब। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कर रहा, और आज लेकर आया एक ऐसा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर। देखो, ये जो वायरस इस समय फैला हुआ है, इसका इलाज कुछ नहीं है हमारे पास, हम इसको फैलने से रोक नहीं सकते। लेकिन सिर्फ एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव खबर है इंडिया के बारे में कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए इंडिया से अच्छी जगह कोई भी नहीं है। इसका रीज़न है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, अगर आप देखें तो सब नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे साथ। हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, इतनी कंजेस्टेड इलाके हैं, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर ये फैलना शुरू हो जाए तो ये रुक नहीं सकता। लेकिन 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 सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट इंडिया के पास है, जिसकी वजह से अभी तक हमारा मृत्यु दर बहुत कम है बाकी कंट्रीज़ की वजह से, और वो है हमारी यंग पॉपुलेशन, हमारी जवान पॉपुलेशन। अभी एक स्टडी हुई है सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक इकोनॉमिक्स एंड प्रिंगटन यूनिवर्सिटी ने ये सजेस्ट किया है कि इंडिया हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है आने वाले 7 महीनों के अंदर। दिसंबर तक हो सकता है कि इंडिया की 60% पॉपुलेशन को ये हो जाए और हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी वो होती है जब बहुत सारी पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे अंदर ही एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है अपने आप, और हम दूसरों को भी नहीं फैला सकते। लेकिन चलो बताता हूँ, कितना कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। अब पहले आपको ये बताऊंगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, यंग कितनी है, बुजुर्ग कितनी है। हमारी 82% जनता 50 साल से कम उम्र की है, 82%, और इसमें जो मृत्यु दर है अगर हुआ तो सिर्फ 0.2% है मृत्यु दर, सिर्फ 0.2%, तो ना के बराबर। जो 50 से 59 साल के बीच में मेरे ऐसे बुढ़े उनकी एज वो हैं 8% के आसपास, तो उनमें मृत्यु दर, मैक्सिमम मृत्यु दर 1% है। मतलब मेरा, मुझे अगर हो जाता तो मेरा मरने का चांस 1% है, अगर मुझे साथ में कोई और बीमारियां ना हो, शुगर ये ना हो, बीपी ना हो, ये नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। और जो वो लोग हैं 60 साल से ऊपर, हमारे कंट्री में सिर्फ 10% हैं 60 साल से ऊपर। वैसे सोचें तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि हमारे बुढ़े होते ही कम हैं। उसका रीज़न है कि हम पहले ही सटक लेते हैं, इतना हमारे यहाँ COPD है, सांस की प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ जो दूसरी इतनी ट्यूबरक्लोसिस है और हार्ट की प्रॉब्लम इतनी है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम इतनी है कि हम पहले ही सटक लेते हैं। बाकी कंट्री से हमारे यहाँ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, पॉल्यूशन इतना है। तो लेकिन आज अगर हम दूसरे ढंग से देखें तो आज हम बहुत अच्छी जगह पे हैं। क्यों? हमारे कंट्री में मृत्यु दर कम है, 3.6% है बाकी कंट्रीज़ के मामले में, जहाँ पे इटली था यूरोप में 10-15% तक डेथ हुई है। और हमारे यहाँ भी जो 80 साल से ऊपर बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ पे डेथ अभी भी 15% के आसपास है। लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि इंडिया सबसे आइडियल कंट्री है हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। मतलब हमारे यहीं है सबसे बढ़िया चांस। तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि हर्ड, अब हमें क्या होगा, हमें यंग पॉपुलेशन को एक्सपोज करना पड़ेगा, हमें ये लॉकडाउन को रिलैक्स करना पड़ेगा, यंग पॉपुलेशन को बाहर निकालना पड़ेगा कि इनको धीरे धीरे इन्फेक्शन हो और इम्यूनिटी डेवलप हो, क्योंकि 60% पॉपुलेशन को होना ज़रूरी है, और हमारे पास तो 90% पॉपुलेशन के आसपास है जो यंग है, जो यंग मान सकते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इनके साथ जो ज्वाइंट फैमिली वाले लोग हैं, जहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन भी साथ में रह रही है, बस वहीं पंगा है कि हमने यंग को तो एक्सपोज किया, लेकिन यंग तो बाहर गया फिर घर में आएगा, जो मैं बार बार बोलता हूँ, घर आएगा फिर वो ओल्ड जो पेशेंट माँ बाप साथ में रह रहे हैं या दादा दादी रह रहे हैं उनको ना फैला दे, क्योंकि उनको अगर हो गया तो प्रॉब्लम है। तो यही एक रिसर्च का टॉपिक है कि कैसे किया जाए। तो उसमें एक तर्क ये दिया गया है कि स्टेज वन में ऐसे लोगों को बाहर निकालो जहाँ पे जिनके साथ बुजुर्ग लोग रहते ही ना हो, तो उनको तो बिल्कुल छूट दे दो कि आपकी ज्वाइंट फैमिली नहीं है, आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रह रहे हैं, आपके बुजुर्ग कोई भी नहीं है घर में, तो आप तो निकलो, आप तो दौड़ो, आप इधर जाओ उधर जाओ जहाँ मर्जी जाओ, ठीक है, वो होना भी चाहिए। दूसरे वो लोग कि सेकंड स्टेज में, पहली स्टेज में उनको हमने निकाला, दूसरे स्टेज में उन लोगों को निकालेंगे जिनके घरों में व्यवस्था है उनको, अपने बुजुर्गों को एक अलग रूम देने की, आइसोलेशन में करने की। क्योंकि देखो, सीधी सी बात बताऊँ, अपने बुजुर्गों को बचा के चलना है, हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम अपने बुजुर्गों को खो दें। डर इसी बात का है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होते होते हम कुछ ना कुछ, देखो ये कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वो यहाँ पे बहुत सटीक आ रही है हर्ड इम्यूनिटी में। तो सेकंड स्टेज में यही सोचा जा रहा है कि उनको बाहर निकालो जिनकी फैमिली में इतनी जगह है, जिनके घरों में, कि वो अपने बुजुर्गों को आइसोलेट कर सकते हैं अपने से। आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, है ना, बच्चे भी जाते हैं तो प्यार से गले में बाहें डाल लेते हैं दादा दादी के, पापा आइसक्रीम खा लो, मम्मी आइसक्रीम खा लो, मम्मा ये कर लो, मम्मा वो कर लो, बात साथ में बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, साथ में बैठ के ये कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कितना मुश्किल होता है ना, और वो भी महीनों के लिए अलग कर पाना अपने आप से, सोचो मुश्किल तो है।
आपको अपना इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए। थोड़े दिनों के लिए अगर हो सकता है तो उनको एक अलग घर में डाल दो तो बेटर है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मैं अगर होता, मेरे पास अगर ऐसा कोई कंडीशन होती तो मैं एक अलग घर ले लेता जहाँ पे मैं उनको अगल बगल अगर मुझे मिल जाता ये वन रूम सेट किराए पे, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं उनको अलग ही कर देता कि आप दोनों अलग रहो थोड़े दिनों के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीनों के लिए, और किसी को घर में नहीं आने देना। मैं पक्का ये करता, मैं अपने आसपास कहीं ऐसा इंतजाम कर लेता अगर हो सकता तो। अब बात वही है कि आपके पड़ोसी भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं क्या बोलूं। तो जिनके घर बड़े हैं छोटे शहरों में, बड़े शहरों में प्रॉब्लम है तो छोटे शहरों में जहाँ पे घर बहुत बड़े बड़े हैं तो वहाँ पे आप इनको आइसोलेशन में रखिए। कोशिश करें जब भी आप इनके आसपास जाएं मास्क लगा के जाएं, पूरा सैनिटाइज होके जाएं, इनके रूम को भी सैनिटाइज करते रहें। तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन इतना मत खो दें कि हमें दुख हो कि हमने पाया तो क्या पाया, सब कुछ लुटा के अगर हमने कुछ पा लिया तो क्या पाया। यही इस मेरे कहने का अंदाजा था, वो था सार था। और एक बात और बताऊँ कि वैक्सीन आने में अभी 12 से 18 महीने लगेंगे, यानी 1.5-2 साल, और अगर आ भी गई तो हर एक को अवेलेबल नहीं हो पाएगी क्योंकि इतना तुम सोचो, एक तो महंगी होगी, दूसरा हर जगह पहुँच जाएगी, उसको फिर 1-2 साल लगेंगे, यानी 3-4 साल का कोटा लगा के चलो। तो हमारे पास वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, वैक्सीन अभी आने वाली नहीं, तो हमारे पास सिर्फ हार्ड इम्यूनिटी बची है और कोई तरीका नहीं है। तो अच्छी खबर यही है इंडिया के लिए कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत है, और यंग यस हम करके दिखाएंगे, लेकिन बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, बार बार बोल रहा हूँ। और कुछ एग्जांपल देता हूँ, स्वाइन फ्लू आया था 1918 में, 3 वेव आई थी और कुछ कंट्रीज़ में ख़त्म हो गया है, हमारे कंट्रीज़ में अभी भी आता रहता है, थोड़ा है हालांकि आता रहता है, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा, और बाकी कंट्रीज़ में जहाँ ख़त्म हुआ या तो वहाँ इम्यूनिटी डेवलप हो गई या फिर वो लोग मारे गए। तो ऐसा ही एक फ्लू पेंडेमिक हुआ था 1889 में, जो 1895 में जाके ख़त्म हुआ था। तो 4 से 5 साल लग जाते हैं कई बार, और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि इसको ख़त्म होने में भी 1 साल से 2 साल 3 साल लग सकते हैं इसको जाने में। ये तभी गायब होगा जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, और इंडिया यस इंडिया सबसे आगे है, और यंग पॉपुलेशन के मामले में तो सिर्फ सावधानियाँ रखनी है अपने बुजुर्गों के लिए। और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों, या इतनी शांति भी नहीं चाहिए जितनी लॉकडाउन में शांति थी सच बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यस बाय दोस्तों, शुरुआती शबा खैर, और अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ डॉक्टर नवनीत कालरा, आता रहूँगा इसी तरह से छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, आपको थोड़ी सी ताकत देने के लिए, डराने के लिए नहीं। ठीक है, बाय।